हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग ठीक होंगे और आपकी एसएससी सीजीएल की तैयारी सही चल रही होगी। ये वीडियो है सेकंड पार्ट इस सीरीज़ का, जिसमें हम नए पैटर्न के क्वेश्चंस को देख रहे हैं जो टीसीएस ने अभी एसएससी के सिलेक्शन पोस्ट में इंग्लिश में नए पैटर्न के कुछ सवाल पूछे थे। तो उसकी वजह से ये उम्मीद की जा रही है कि नए पैटर्न पर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस सकते हैं पर फोकस करिए, ज़रूरी नहीं कि आए हैं, आएंगे, आए हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आएंगे ही, लेकिन हमें तैयार रहना है तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए ये नए पैटर्न के क्वेश्चंस हैं। तो नए पैटर्न के क्वेश्चंस में आपको एक चीज़ बहुत क्लियर रखनी है कि अगर आपके ग्रामर का कॉन्सेप्ट क्लियर है और आपकी वोकैबुलरी ठीक है तो आपको इन प्रॉब्लम्स को करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस आपको इसका पैटर्न समझ में आ जाए, पैटर्न से आपको अवेयरनेस हो, तो आपके लिए ये क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेंगे। तो ये सीरीज़ उसी अवेयरनेस के तौर पे है कि आपको नए पैटर्न से अवगत कराया जाए, इंट्रोड्यूस कराया जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने पहला वीडियो देख लिया होगा। अगर पहला वीडियो ना देखा हो तो पहले उस वीडियो को भी देख लें ताकि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम इस नए पैटर्न की तैयारी आपको हो जाए। तो देखिए, यहाँ पर चार सेंटेंसेस रहेंगे और उनमें से एक ही ग्रामेटिकली सही सेंटेंस है, तो आपको बताना है कि वो ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस कौन सा है। तो देखिए, चार सेंटेंसेस हैं, तो कहना यही है सेंटेंस में, इन चारों में एक सही है तो वो कहना तो सेंटेंस है। आपको समझ में आ रहा होगा कि कहना ये चाह रहा है कि ना मैंने तुम्हें कभी धोखा दिया है, ना मैं कभी तुम्हें धोखा दूंगा। तो यहाँ पर क्या है, दो चीज़ें हैं। एक ये कह रहा है कि मैंने आज तक धोखा नहीं दिया है, ठीक है, तो आई हैव इस वजह से आ रहा है, धोखा अभी तक नहीं दिया है। एंड विल नॉट, यानी कि विल नॉट या विल नेवर, तो नहीं दूंगा। तो यहाँ पर एक चीज़ क्या है, प्रेजेंट तक की है, प्रेजेंट तक चीट नहीं किया और फ्यूचर में भी चीट नहीं करूँगा। तो यहाँ पर दो फॉर्म्स ऑफ सेम वर्ब लगेंगी। एक क्या है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी चीट के केस में। चीट दोनों केस में है, एक आपकी कौन सी लगेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी हैव की वजह से, और विल के साथ क्या लगेगी, फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो जैसे जब होता यह है कि अगर हमें, If we need two forms of a verb in a sentence, we must use both of the forms. अगर हमें दो forms की ज़रूरत है verb की, तो हमें दोनों forms को इस्तेमाल करना होता है। यानी कि I have never and will not cheat you सही नहीं हो सकता, क्योंकि हमें will not के साथ cheat आ रहा है, I have never के साथ भी cheat या उसकी एक form आएगी, ठीक है। तो ये पहले और दूसरे तो इस वजह से ऐसे ही गलत हो जाते हैं। अब देखना है आपको थर्ड और फोर्थ। तो थर्ड और फोर्थ में ये चीज़ है कि आई हैव नेवर चीटेड और चीट दोनों हैं। तो यहाँ पर अब आपको बताना है सेकेंड थर्ड है या फोर्थ है। सेकेंड और फर्स्ट तो गलत ही है बिल्कुल। तो देखिए, यहाँ पर अगर आप इसको करने के लिए विल नॉट चीट यू ना करके विल नेवर चीट यू, क्योंकि आदमी ये क्या कहना चाह रहा है, आदमी ये कहना चाह रहा है कि अभी तक नहीं किया है, ना कभी किया है, ना कभी करूँगा। तो ना कभी किया है के लिए भी नेवर आ गया, ना कभी करूँगा उसके लिए भी नेवर ही आएगा। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन फोर, आई हैव नेवर चीटेड एंड विल नेवर चीट यू, ये ही यहाँ पर ग्रामेटिकली सही सेंटेंस है। फिर आपको ये बताना है, चार सेंटेंसेस दिए हुए हैं। तो देखिए, यहाँ पर है आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि वो कौन सा वर्ड है, कलेक्टिव नाउन, जो कि सिंगर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उससे ये क्वेश्चन बनता है। तो देखिए, क्राउड क्या होता है, क्राउड किसी भी तरह के लोगों का ग्रुप, भीड़ को क्या कहते हैं, क्राउड कहते हैं नॉर्मल भीड़ को, ठीक है। यहाँ पर एक्चुअल में क्या आएगा, चॉयर। सेकेंड ऑप्शन, सिंगर्स का ग्रुप क्या कहलाता है, चॉयर, या जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा, क्वायर है, चॉयर है, मैंने देखा नहीं, प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा आप।
अगर देखना चाहें तो, क्योंकि रेटिन्यू जो होता है वो सर्वेंट्स या अटेंडेंट्स, नौकरों का या अटेंडेंट्स के ग्रुप को जो है रेटिन्यू कहते हैं, और बेबी जो है लड़कियों के या औरतों के या ऑफिसर्स के ग्रुप को जो है बेबी कहा जाता है। तो सिंगर्स के लिए ना बेबी हो सकता है, ना रेटिन्यू होगा, ना क्राउड होगा, बल्कि क्या होगा, चॉयर, सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही होता है। फिर आपको बताना है थर्ड क्वेश्चन में कि इसमें आपका ग्रामेटिकली सही कौन सा है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि वैद्या कौन है। वैद्या वो लोग हैं सरनेम के लोग, शर्माज या गुप्ताज जैसे कहेंगे। तो इंग्लिश में जब हम इन्हें कहते हैं, जब किसी फैमिली के बारे में कह रहे होते हैं, तो उसको हम लिखते हैं ऐसे कि हम उसमें एपोस्ट्रॉफी नहीं लगाते हैं। हम शर्माज, गुप्ताज, राणाज, जो भी सरनेम है किसी का, उसके आगे एपोस्ट्रॉफी ना लगा के सिंपल एस लगाते हैं। तो उससे मतलब बन जाता है, जैसे वैद्याज होगा, यानी कि थर्ड और फोर्थ ही सही हो सकता है, फर्स्ट और सेकंड में एपोस्ट्रॉफी लग के एस है, तो वो ये दोनों सही नहीं हो सकते। तो जब भी किसी की फैमिली नेम के साथ हम बुलाते हैं एस लगा के, तो इसका मतलब होता है मेंबर्स ऑफ दैट फैमिली। तो वैद्याज का मतलब है मेंबर ऑफ द वैद्या फैमिली, वैद्या जो होगा उनका फैमिली सरनेम होगा, तो रिमूव करना पड़ेगा आपको एपोस्ट्रॉफी। अब इसमें बस सिंपली फिर क्या बचता है, फिर ये बचता है वैद्याज। तो वैद्याज क्या है, अगेन वैद्या होता तो वो एक आदमी के बारे में बात हो रही होती, वैद्याज क्या है, प्लूरल है, मेंबर्स ऑफ द फैमिली। तो वहाँ पर क्या आएगा, हैज़ नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, हैव आएगा। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन फोर, द वैद्याज हैव बीन लिविंग हेयर फॉर अबाउट अ डेकेड। फिर है यू ही एंड आई हैव मेड दिस मिस्टेक, आई ही एंड यू हैव मेड दिस मिस्टेक, ही आई एंड यू हैव मेड दिस मिस्टेक, आई यू एंड ही हैव मेड दिस मिस्टेक। तो देखिए इसमें सिंपली ये है कि जब भी प्रोनाउन आता है और तीनों उसमें पर्सन्स आते हैं, पर्सन्स आप आई होप आप में से ज़्यादातर लोग समझते होंगे, जो नहीं समझते वो यही है कि फर्स्ट पर्सन आई होता है, सेकंड पर्सन जो है यू होता है, और थर्ड पर्सन ही शी दे, इस तरीके से हो जाएगा। तो आई वी जो है फर्स्ट पर्सन है, यू और प्लूरल यू जो है सेकंड पर्सन है, और थर्ड पर्सन ही हिज दे, ये थर्ड पर्सन होता है। तो जब भी कभी नॉर्मल केस होता है, नॉर्मल कोई बात हो रही होती है, तो ऑर्डर होता है 2 3 1, दैट इज़ पहले क्या आएगा, सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। यानी कि नॉर्मल केस होता तो आता यू ही एंड आई, यानी कि फर्स्ट सही होता। लेकिन ये क्वेश्चन जो है एक स्पेशल केस है, स्पेशल केस ऐसे है कि नॉर्मल केस में तो 2 3 1 फॉलो होता है, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन, लेकिन जब गलती होती है तो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन इस ऑर्डर में आता है, यानी कि आई यू एंड ही, ऑप्शन फोर। इसको याद करने का तरीका क्या होता है कि नॉर्मली जब हम बात करेंगे तो ऐसे बोलेंगे आप, तुम, सबसे पहले तुम, फिर वो, और फिर मैं खुद, यानी कि अपने आप को जो है सबसे बाद में रखेंगे नॉर्मली। और जब जब कोई गलती हो रही होगी तब क्या करेंगे, तब हम्बलनेस ना दिखा के, तब वैसे हम्बलनेस दिखाएंगे कि सबसे पहले अपने आप को कसूरवार ठहराएंगे, फिर सामने वाले को, और फिर वो जो थर्ड पर्सन है जो दूर है, इस तरीके से। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, फोर्थ ऑप्शन सही होगा। और ये प्लूरल के केस में भी होता है कि जब प्लूरल फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन आते हैं किसी भी चीज़ एक्टिविटी में, तो 1 2 3 ही फॉलो होता है, यानी कि वहाँ पर भी वी यू एंड दे आता है वहाँ पर। उसको भी याद करने का यही तरीका है कि जब तक आप सिंगुलर थे तब तक तो आप दूसरे को प्रेफरेंस दे रहे थे नॉर्मल केस में, लेकिन जब
ज़्यादा लोग हो गए, आप भी हैं और आपके साथ बहुत से लोग हैं, हम हैं, तो आप अपने लिए तो हम्बल हो सकते हैं, लेकिन अपने साथ वालों को अगर आप हम्बलनेस के चक्कर में रहे तो आपके साथ वाले बुरा मान जाएंगे। इस वजह से आप पहले क्या कहते हैं, वी कहते हैं, फिर यू कहते हैं, फिर दे कहते हैं। फिर है, योर हाउस इज़ बेटर देन मी, योर हाउस इज़ बेटर देन माई, योर हाउस इज़ बेटर देन माइन, योर हाउस इज़ बेटर देन आई। तो कहना क्या चाह रहा है, देखिए सेंटेंस से ये तो मतलब समझ में आ गया ना कि कंपैरिजन किसका किससे है, तुम्हारे घर का मेरे घर से, योर हाउस माई हाउस। तो माई हाउस, या तो ये प्रॉपर ही सेंटेंस होता, योर हाउस इज़ बेटर देन माई हाउस, तब वो सही हो जाता। माई हाउस की जगह माई हाउस को दूसरी तरह से कैसे लिखा जा सकता है, एक पजेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करके। और पजेसिव प्रोनाउन इनमें से कौन सा है, माइन है, क्योंकि माइन का मतलब क्या होता है, माई प्लस नाउन, जो भी सुटेबल नाउन है उस जगह पे। तो इस केस में क्या है, योर हाउस इज़ बेटर देन माइन का मतलब हो जाएगा, योर हाउस इज़ बेटर देन माई हाउस। माइन लिख दीजिए या माई हाउस लिख दीजिए, माइन इज इक्वल टू माई प्लस नाउन। माई क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है, और प्लस नाउन। तो पॉजिटिव प्रोनाउन जो होता है, माइन एक पॉजिटिव प्रोनाउन है, और पॉजिटिव प्रोनाउन जो है इक्वल टू होता है पॉजिटिव एडजेक्टिव प्लस नाउन के। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन थर्ड यहाँ पर सही है। फिर आपको बताना है इन चार सेंटेंसेस में से कौन सा सही है। तो देखिए इसमें एक चीज़, एक ऑप्शन तो आप ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं, अगर आपको ये पता है कि नॉलेज जो होती है उसको आप काउंट नहीं कर सकते हैं। तो नॉलेज इज़ एन अनकाउंटेबल नाउन, तो जो अनकाउंटेबल नाउन है उसकी वजह से नॉलेज के साथ फ्यू नहीं आ सकता। फ्यू जो आता है वो सिर्फ और सिर्फ काउंटेबल नाउन के साथ आता है। तो इतना तो क्लियर हो गया। अब बचते हैं लिटिल। अब लिटिल भी तीन वेरिएशन है, लिटिल है, अ लिटिल है, या द लिटिल है। तो यहाँ पर जो आएगा वो अ लिटिल आएगा, क्योंकि अ लिटिल का मतलब होता है थोड़ी लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। तो यही यहाँ के पर मतलब निकालना चाह रहा है इस सेंटेंस का, कि थोड़ी मगर बहुत ज़्यादा नॉलेज ना हो तो वो बड़ी ख़तरनाक चीज़ होती है। जैसे मिसाल भी दी जाती है हिंदी में भी, नीम हकीम खतराए जान। ठीक है, तो वही चीज़ है। लिटिल का मतलब क्या होता है, कि अगर है ही नहीं नॉलेज, मतलब बिल्कुल ही ना के बराबर सी है। जैसे आई कैन नॉट प्रिपेयर टी फॉर यू, देर इज़ लिटिल मिल्क इन रेफ्रिजरेटर। तो वहाँ पर लिटिल मिल्क का मतलब क्या है, कि बिल्कुल ही ना के बराबर वहाँ पर मिल्क है रेफ्रिजरेटर के अंदर। और द लिटिल का मतलब होता है कि कोई चीज़ मतलब बहुत कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है, कम है, लेकिन जितनी भी है वो अवेलेबल है किसी के लिए। तो जैसे आएगा द लिटिल वाटर आई कैप्ट फॉर यू हैज़ बिन फिनिश्ड बाय देन, यानी कि मैंने जो थोड़ा बहुत, वो थोड़ा बहुत पानी जो मैंने तुम्हारे लिए रखा था, द लगा के आप डेफिनेट बना दे रहे हैं उस चीज़ को, दैट हैज़ बिन फिनिश्ड बाय देन, वो दूसरे लोगों ने ख़त्म कर दिया। फिर आपको बताना है, फिर नेक्स्ट सेंटेंस है द एनिमी सेल्जर्स, तो इसमें क्या आएगा, अ लिटिल, यानी कि ऑप्शन सेकंड। फिर है द एनिमी सोल्जर्स वेंट बैक हैस्टिली, द एनिमी सोल्जर्स रिटर्न हैस्टिली, द एनिमी सोल्जर्स रिट्रीटेड हैस्टिली, द एनिमी सोल्जर्स रिट्रेंच्ड हैस्टिली। तो इतना तो समझ में आ रहा है कि वो पीछे चले गए। तो पीछे चले गए के लिए देखिए हमेशा याद रखिए कि सोल्जर्स जब आगे की तरफ बढ़ते हैं तो उनको कहा जाता है मार्च फॉरवर्ड, मार्च करते हैं आगे की तरफ। और जब पीछे हटते हैं डिफीट की वजह से या टैक्टिकल रीजंस की वजह से पीछे की तरफ हटते हैं तो उसको कहते हैं रिट्रीट। तो यहाँ पर रिटर्न या वेंट बैक, रिट्रेंच्ड, ये सही नहीं होगा, बल्कि क्या सही होगा, रिट्रीटेड। तो ये वर्ड का यूजेज आपको पता होना चाहिए कि रिटर्न, रिट्रीटेड, वेंट बैक, ये क्या है, सिनोनिम्स हैं, लेकिन सोल्जर्स के केस में क्या होता है, रिट्रीटेड इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड।
फिर आपको बताना था इन चार सेंटेंसेस में से कि इन चार सेंटेंसेस में से कौन सा सही है. सिंस सेटिंग अप द क्लब सिंस सेटिंग अप द क्लब हैज़ प्रोड्यूस सो मैनी प्लेयर्स. सिंस इट्स इंसेप्शन द क्लब हैज़ प्रोड्यूस सो मैनी प्लेयर्स. सिंस हैव बीन सेटअप द क्लब हैज़ प्रोड्यूस सो मैनी प्लेयर्स. बींग सेटअप द क्लब हैज़ प्रोड्यूस सो मैनी प्लेयर्स. तो अगर आप थोड़ा सा भी इंग्लिश के लैंग्वेज को पढ़े हुए होंगे तो कुछ ऑप्शंस तो आप इनमें से ऐसे ही काट सकते हैं कि अजीब से लग रहे होंगे आपको. जैसे ऑप्शन थ्री, सिंग्स हैव बीन सेटअप, ये अपने आप में यूजेज में मतलब कहीं भी ऐसा सेंटेंस नहीं देखेंगे आप. बीइंग सेटअप द क्लब हैज़ प्रोड्यूस सो मैनी प्लेयर्स, ये भी अपने आप में सही से नहीं आ रहा है, अगर इनकम्प्लीट सा लग रहा है. इसके आगे पीछे कुछ होता, जैसे बीइंग सेटअप विद प्रॉपर इंटेंशन द क्लब हैज़ प्रोड्यूस सो मैनी गुड प्लेयर्स, सो मैनी प्लेयर्स. तो यहाँ पर जो ऑप्शन आता है वो फर्स्ट सेकंड में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकती है. तो इसमें ऑप्शन सेकंड जो है वो सही है. उसकी वजह ये है कि ऑप्शन फर्स्ट भी सही हो जाता अगर इसमें इट्स और आ जाता बीच में, सिंस और सेटिंग के बीच में. सिंस इट्स सेटिंग अप, यानी कि उसके सेटअप होने से लेके, यानी कि होने के बाद से क्लब ने बहुत सारे प्लेयर्स प्रोड्यूस किए हैं, तो ये इट्स सेटिंग अप होता तब सही होता. और इसको दूसरी तरीके से लिखा जा सकता जो कि सेकंड केस में लिखा हुआ, जिसकी वजह से सेकंड केस जो है वो ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस है कि सिंस इट्स इंसेप्शन. तो इंसेप्शन का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ बिगनिंग हो रही है या स्टार्ट हो रही है. तो सिंस इट्स इंसेप्शन द क्लब हैज़ प्रोड्यूस सो मैनी प्लेयर्स, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन सेकंड जो है वो ग्रामेटिकली सही है. फिर है आई विल अवेल माई सेल्फ ऑफ दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी. तो आपको बताना है इसमें सही कौन सा है. आई विल अवेल माई सेल्फ दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी, आई विल अवेल ऑफ दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी, आई विल अवेल दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी. तो मैंने अभी मेरी वो वीडियो आएंगी एडवर्ब की खास तौर पे, जिसमें आप देखेंगे कि सॉरी प्रोनाउन की वीडियोस में कि माई सेल्फ जो है वो एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है. तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कुछ वर्ड्स के साथ लगता है, कुछ वर्ड्स के साथ नहीं लगता है. तो जिन वर्ड्स के साथ लगता है वो आपको पता होने चाहिए, और जिन वर्ड्स के साथ नहीं लगता है वो आपको पता होने चाहिए. तो आपको यहाँ बता दूँ कॉन्सेप्ट के लिए कि अवेल के साथ लगेगा. तो ये जो जिनके थर्ड फोर्थ ऑप्शन में नहीं लगा हुआ, तो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन, अगर आपको ये रूल पता है कि अवेल के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगेगा, तो थर्ड फोर्थ ऑप्शन तो आप ऐसे ही एलिमिनेट कर देंगे. फिर बचता है फर्स्ट और सेकंड. तो फर्स्ट और सेकंड में ये चीज़ है कि अवेल के साथ माई सेल्फ लगेगा, और फिर क्या लगेगा, ऑफ लगेगा. आई विल अवेल माई सेल्फ ऑफ दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी, अवेल माई सेल्फ ऑफ, ये करेक्ट फॉर्म है फ्रेज की. तो ऑप्शन फर्स्ट. फिर कीट सेज, ये मिस हो रहा है यहाँ पर डी, इसको इग्नोर करिएगा, टाइपो एरर है ये, लिखने में जो है गलती होगी, अनइंटेंशनल है. कीट्स सेज द आइडिया वेरी वेल इन हिज पोएम्स. कीट्स स्पीक्स द आइडिया वेरी वेल इन हिज पोएम्स. कीट्स डिस्क्राइब्स द आइडिया, कीट्स एक्सप्रेसेस द आइडिया. तो यहाँ पर सारा जो खेल है वो वर्ड्स का ही है कि सेज आएगा या स्पीक्स आएगा या डिस्क्राइब्स आएगा या एक्सप्रेसेस आएगा. अब ये जो चारों वर्ड्स हैं ये ऑलमोस्ट क्या हैं, सिनोनिम्स हैं वैसे तो, लेकिन आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, और ये क्लोज टेस्ट के पर्सपेक्टिव से ये क्वेश्चन और इस तरह का क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है कि आप यूजेज आता है ना क्लोज टेस्ट के अंदर, यूजेज में सबसे ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम आती है, और वही इस केस के साथ भी है कि आइडियाज़ को एक्सप्रेस किया जाता है, आइडियाज़ को हम से नहीं करते हैं या स्पीक आइडिया नहीं करते हैं या डिस्क्राइब आइडिया नहीं करते हैं, हम आइडिया को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं.
तो इसलिए जो है कीट्स, कीट्स एक बहुत मशहूर इंग्लिश पोइट रहा है, तो कीट्स एक्सप्रेसेस द आइडिया वेरी वेल इन हिज पोएम्स, यानी कि ऑप्शन 4। तो ये 10 क्वेश्चंस थे जो आज हमने किए। आई होप आप लोगों को इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और कोई चीज़ ना समझ में आई हो या कोई फीडबैक हो तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि मैं उस पर रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करूं, या मैं आने वाली वीडियोस में उन चीज़ों को इंक्लूड करूं। तो पढ़ाई करते रहिए, तैयारी को अच्छे से रखिए और मेहनत करते रहिए। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।